अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो हर पीएम ट्रिपल एस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सस्पेंडेड अमाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि उसको आप कैसे क्लेम कर सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की पेमेंट जो है वो सस्पेंड हुई है। स्पेशली अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को देखें, उनको फर्स्ट सेमेस्टर की 30,000 सस्पेंड हुई हैं, कुछ को 20,000 सस्पेंड हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम उसको 30,000 सस्पेंड हुए हैं। उसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेम उन स्टूडेंट्स को भी कंटिन्यूशन में डेट्स वगैरह गलत डालने की वजह से कुछ को दिखा रहा है टू बी एडजस्टेड लेटर ऑन इफ एप्लीकेबल। ओवरऑल की मतलब वो सस्पेंड हुई है, किसी के 20,000, किसी के 30,000। तो जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको पुराने वीडियो में एक बोला था कि आप कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड कर लो, उसमें आप डेट्स मेंशन कर देना और ये मेंशन कर देना कि सस्पेंडेड अमाउंट के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपलोड की है, कुछ ने नहीं की है, तो उसी को हम थोड़ा सा रिकैपिटुलेट करेंगे। कल को काफी सारे स्टूडेंट्स को जो है 15,000 आ गए हैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के भी कुछ स्टूडेंट्स को आई है, सेकंड, थर्ड, किसी सेमेस्टर के भी जो है वो आ गई है स्टूडेंट। ये नहीं है कि फर्स्ट सेम वालों को ही आ गई। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है कल आई है कुछ स्टूडेंट्स को 15,000। तो उसके अलावा बाकी जिन स्टूडेंट्स को सस्पेंड हुई है तो उनको क्या करना है ताकि उनको जो है बाकी की पेमेंट मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि जिस सेमेस्टर की सस्पेंडेड है अमाउंट 20,000 आपको मिले हैं, 30,000 या 20,000 सस्पेंड हुए हैं, तो आपको देख लेना है पहले कि अगर आपने 2 महीने से ज्यादा टाइम कॉलेज में निकाला, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने स्टिल अगर सस्पेंड हुई है, तो आपको एक काम कर लेना है, आपको कॉलेज से एक लेटर लिख के लानी है। कॉलेज का जो लेटर पेड होता है उसमें लिख के लाना है आपको कि स्टूडेंट जो है ये कॉलेज में इतने से इस सेमेस्टर में इतने मंथ्स के लिए रहा और इसकी जो इस सेमेस्टर की पेमेंट है वो रिलीज कर दो, जो सस्पेंड हुई है उसको रिलीज कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज वालों को बोलना है कि AICTE को मेल कर दो। अगर आपका सेशन 2021 है, JK एडमिशन 2021 वालों को, अगर 2020 आपका सेशन है, मतलब 2020 में आपकी सिलेक्शन हुई है, तो JK एडमिशन 2020 को जो है मेल आपको कर देनी है। इस तरह 1918 वाले भी कर देंगे। तो उसके बाद आपको जो ग्रेवियंस का पोर्टल है, अपने पोर्टल पे वहां से जाके आपको ग्रेवियंस डालनी पड़ेगी। ग्रेवियंस में जो है वो लेटर जो आपको कॉलेज से मिली है उसको अटैच कर देना है। अब ग्रेवियंस आप कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको देख लीजिए। उसी तरह से आप अपनी ग्रेवियंस जो है वो फिलअप कर दीजिए, क्योंकि ग्रेवियंस का पोर्टल जो है वो चेंज हुआ, पुरानी तरह ग्रेवियंस आपकी जो है वो नहीं लगने वाली है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट सेमेस्टर का क्लेम करना है। नेक्स्ट सेम का क्लेम करने के लिए आपको जो है कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट या प्रमोशन सर्टिफिकेट जो भी डालना होगा उसमें आपको जो है डेट्स मेंशन करनी है अच्छी तरह से, ताकि जो प्रीवियस सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपकी सस्पेंड हुई है तो उसके जो है 3-4 महीने आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के वालों की बात करें तो आपको मेंशन करना है कि आपको नवंबर दिसंबर की जो 20,000 आई है आपको उसमें मेंशन करना है कि सेशन जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आए तो आपको 30,000 आ जाएंगे, यानी 10,000 और आ जाएंगे। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 महीने आते हैं और इन 5 महीनों के भी आपको जो है फिर सेकेंड सेमेस्टर या जो भी सेमेस्टर आपको होगा उसके आ जाएंगे। तो आपको इसी तरह से सेम करना है। अगर आपकी सस्पेंड हुई है, 3-4 महीने आपने कॉलेज में बिताए हैं, तो आप कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट में डेट्स और जो है मैंने बोला कॉलेज से जो है लेटर पेड बना के आप उसको अपलोड कर सकते हैं और आपकी पेमेंट डेफिनेटली आ जाएगी। तो ये था वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव जो हमने आपके साथ शेयर किया, होपफुली आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो लाइक कीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन इसके बारे में है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर लेते हैं।